फ्रेंड्स, जय जिनेन। आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स गुड़। इससे बनाना बहुत ही आसान है। ये सर्दियों में हर घर में खाया जाता है। बच्चे बड़े, कभी कभी बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इसके लिए यदि हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। इस गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, या आप चाकू से भी काट सकते हैं। एक बाउल मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है, जिनको मैंने हल्का दरदरा मिक्सी के जार में ऑन ऑफ कर लिया है, जिससे छोटे इनके टुकड़े हो जाएं। और मैंने 20 से 25 बादाम लिए हैं, जिनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसी प्रकार 20 से 25 अखरोट की गिरी ली है, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने गोला लिया है। गोले को मैंने इस प्रकार से छोटे छोटे पीस में किया है, क्योंकि ये कभी जब हम गुड़ खाते हैं तो मुंह में चलाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। और यदि आप चाहें तो इसे कस कर भी ले सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। ये मैंने 4 टीस्पून रोस्टेड तिल लिए, वाइट वाले। आधा टीस्पून मैंने दखनी मिर्च लिए, वाइट वाली जो मिर्च होती है वो लिए। ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप काली मिर्च भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने सौंठ पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, और 1 बड़ी इलायची जो काली वाली होती है उसको मैंने कूट कर लिया है। आप चाहें तो इसके अलावा और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हों। ये मैंने एक बाहरी तले की कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 1 टीस्पून देसी घी डालूंगी। घी मेल्ट हो गया, इसी में से मैं थोड़ा सा घी निकाल लूंगी। और जिस प्लेट में हमें अपने ड्राई फ्रूट्स गुड़ को जमाना है, उसमें इस घी को चारों तरफ मैं लगा लूंगी, जिससे हमारा गुड़ आसानी से प्लेट से निकल जाए। अब इस घी में हमने जो टुकड़ों में गुड़ किया था उसको डाल देते हैं बिना पानी के। कढ़ाई में मैंने गुड़ डाल दिया है। अब हम इसको बिना पानी के इसी प्रकार गुड़ को हम एकदम पिघला लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। इस प्रकार तोड़ते जाएंगे टुकड़ों में, जिससे हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। जले नहीं, इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये कभी कभी कढ़ाई में लग जाता है और जल जाता है। गुड़ मेल्ट हो गया है, इसमें 1-2 गुठले रह गए हैं। इस प्रकार हम चम्मच से उन्हें पिघला, मतलब हाथ से दबा दबा कर गला देंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून घी और डालूंगी, जिससे हमारा गुड़ एकदम शाइनिंग दार बनेगा। गुड़ मेल्ट हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये मैंने मूंगफली डाली है, ये गोला डाल दिया, इसी में मैंने अपने बादाम डाल दिए, ये अखरोट की गिरी डाल दी, तिल डाल दिए, इलायची, अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा इस प्रकार क्रश करके हम डालेंगे। काली मिर्च या दखनी मिर्च, और ये सौंठ पाउडर, इन सबको हम मिक्स कर देंगे। आप ये गुड़ बनाकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। पूरी सर्दी कड़कड़ाती ठंड में इस गुड़ को खाकर एंजॉय करें। ये बहुत टेस्टी गुड़ लगता है, एक बार आप जरूर बनाकर ट्राई करें। यदि आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं।
अभी हमारा सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स हो गए हैं और हमने जो प्लेट ली उसमें घी से ग्रीस किया उसमें हम इसे फैला देंगे। इसको ज्यादा देर कढ़ाई में नहीं रोकते वरना ये थोड़ा टाइट हो जाता है, इसी टाइम इसको तुरंत प्लेट में हम फैला देंगे। ये देखिए मैंने इस पिकाई ले लिया है और हम इस प्लेट में फैला देंगे। इस प्रकार छोटी स्पून से इसे निकाल ले आप, बड़ी स्पून से आसानी से नहीं निकल रहा था तो छोटी स्पून से निकल जाएगा। इस प्रकार प्लेट में आप चाहें तो परात में, प्लेट में जिसमें भी आप जमाना चाहें जमा सकते हैं आप, इसकी मोटी लेयर पतली लेयर जैसे भी आपको ठीक लगे। इस प्रकार इसे फैला देंगे गरम गरम, क्योंकि ठंडा होने पर ये फैलेगा नहीं और ये 5 मिनट में ही हमारा ठंडा हो जाएगा। मैंने प्लेट में अच्छे से फैला दिया है, अब इसे 5 मिनट के बाद हम कट करेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, इसी टाइम हमको अपने गुड़ में कट लगा लेने हैं। यदि ये ठंडा हो गया तो इसमें कट लगाना मुश्किल हो जाता है। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे जो भी आपको आकार पसंद हो उस प्रकार से आप अपने गुड़ में कट लगा सकते हैं। यह गुड़ आप एक बार जरूर बनाना, यह बहुत टेस्टी लगता है एवं हेल्दी भी है। इस प्रकार हम अपनी पूरी प्लेट में कट लगा लेते हैं और इसे ठंडा होने छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट में और बिल्कुल ठंडा होके एकदम टाइट हो जाएगा। गुड़ में कट लग गए हैं, मैं एक आपको पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये प्लेट से भी आसानी से निकल रहा है, ये थोड़ा ठंडा होने पर एकदम टाइट हो जाएगा। आप बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे हम ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे अपने कोई भी डिब्बे में स्टोर कर रख सकते हैं। ये हमारे 1-2 महीने तक ये गुड़ खराब नहीं होगा, पूरी सर्दी हम इस गुड़ को खा लेंगे। अगली रेसिपी में हम आपसे फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय जिनेन।